दोस्तों आज मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ इंडिया के सेकंड नंबर के पैलेस मैसूर पैलेस के बाद में, जिसका नंबर आता है सिटी पैलेस। उदयपुर में यह स्थित है और मेवाड़ के 22 राजाओं ने 400 वर्ष तक इसका निर्माण कार्य किया, तब यह पैलेस बन के तैयार हुआ पूरा। सन 1569 के अंदर महाराणा उदय सिंह जी ने उदयपुर नगर के साथ साथ इस महल का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया। और ये पैलेस अंदर से एक भूल भुलैया जैसा है दोस्तों, और इसमें कई गुप्त रास्ते हैं, वो तो बंद ही है, वो आम पब्लिक को देखने को भी नहीं मिलते हैं। इस प्रकार से बहुत ही दुर्गम रणनीति के अनुसार इस महल का निर्माण करवाया गया है। एक बार राणा उदय सिंह जी अपने पोते के साथ अपने कुल देवता एकलिंग जी के दर्शन करके वापस लौट रहे थे, तो यहाँ पर उन्होंने खरगोश का शिकार किया। तो इस स्थान को शुभ मानकर उन्होंने यहाँ पर एक पत्थर गाड़ दिया। तो उसी समय संत प्रेमगिरी जी महाराज राणा के पास आए और उन्होंने राणा को कहा कि राणा, ये स्थान शुभ है, अतः आप अपनी नगरी यहाँ बसाओ। तो राणा ने उनका आशीर्वाद लेके यहाँ पर अपनी नगरी बसाई और इस महल की नींव उन्होंने रखी। और इस पैलेस के अंदर टिकट का दोस्तों 1 से 5 साल तक के बच्चे फ्री है, 5 से 18 साल तक का 100 रुपये लगता है चार्ज, और 18+ जो भी है उनका 300 रुपीज़ रहेगा। महल में आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ, कितना आलीशान, देखिए बहुत ही भव्य है। तो उदय सिंह के बाद में जो शासक हुए थे उन्होंने अपने अपने हिसाब से इस महल के अंदर निर्माण सुसज्जित वो करते गए अपने अपने हिसाब से, और आज एक बोले ना दुनिया का एकदम बोले ना शानदार महलों में एक हो गया। देखिए भाग से बाहर के भाग से पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ, देखिए इतना भव्य। तो दोस्तों अभी हम इस शाही महल के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं, देख सकते हो। तो सबसे पहले ये गेट आ गया, यहाँ पर इसको पोल बोला जाता है गेट को। तो ये राजस्थान में पोल कहीं पर जो 10-15 घरों के बीच में जो रहता है उसको भी पोल बोलते हैं, लेकिन उदयपुर में मेरे को लग रहा है ये पोल यानी गेट हो गया। और बाहर भी एक पोल आई थी, और यहाँ पर देखिए चिन्ह बनाया गया है, तो ये मेवाड़ वंश का चिन्ह होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो हटरा के धर्म को तीरा के करतार, यानी जो धर्म की रक्षा करेगा उसकी रक्षा भगवान करेगा, यहाँ पर इस प्रकार से मेंशन किया हुआ है। तो अभी मैं आगे की ओर लेके चलता हूँ। जैसे इस महल के अंदर एंट्री करते हैं देखिए गणेश जी की प्रतिमा आपको मिल जाएगी देखने को, और ये देखिए ये भी भगवान की मूर्ति है। और अभी हम देखिए ऊपर की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पर देखिए टिकट चेक की गई और मेंशन किया हुआ है, कृपया पहले इधर जाइए। तो महाराणा प्रताप कक्ष। तो दोस्तों इस कक्ष के अंदर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये महाराणा प्रताप का सुरक्षा कवच है, लोहे का मजबूत बना हुआ है। ये दो तलवारें जो महाराणा प्रताप युद्ध के अंदर यूज में लेते थे, ढाल वगैरह भी आप देख सकते हो, और यहाँ पर महाराणा प्रताप की तीरें कमान वो सब पड़ी है। और ये पेंटिंग में देखिए जो हाथ घोड़ा है उसको हाथी की बच्चे की सूंड लगा के शत्रु को भ्रमित महाराणा प्रताप करते थे। महाराणा प्रताप का चेता घायल हो गया, उसकी तस्वीर पेंटिंग के द्वारा देख सकते हो। तो कहते हैं दोस्तों ये पेंटिंग है कई सालों तक खराब नहीं होती है, इस प्रकार के कलर वगैरह इसमें यूज किया गया है, ओरिजिनल कलर फूलों के। दोस्तों एक बार अकबर ने अफवाह उड़ाई थी कि महाराणा प्रताप उसके सामने झुक रहे हैं, तो बीकानेर के महाराजा पृथ्वी सिंह जी ने पत्र लिखकर महाराणा प्रताप से चिंता जताई। तो महाराणा प्रताप उस पेंटिंग में उसी पत्र का जवाब दे रहे हैं कि शेर गिद्दड़ के सामने कभी नहीं झुकते। और दोस्तों ये आप देख रहे हो ये प्रेमगिरी जी महाराज का मंदिर है, तो कहते हैं कि इन्हीं के आशीर्वाद से कभी भी इस महल पर किसी शत्रु का अटैक नहीं हुआ। ये देख सकते हो ये चंद्र महल हो गया, जिसका निर्माण महाराजा करण सिंह जी ने करवाया था। ये देख सकते हो इसका नाम हो गया लख कुंड। तो राजा महाराजाओं का जब राज्य अभिषेक हो जाता था तो चांदी के 1 लाख सिक्कों से इनको भरा जाता था इस लख कुंड को। तो इन 1 लाख सिक्कों में से 25,000 सिक्के आम जनता के लिए उछाल दिए जाते थे, और 75,000 सिक्के धर्म कर्म के कार्य में यूज होते थे। सन 1930 के बाद में इस कुंड का यूज नहीं हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं शिव महल और अमर विलास वाड़ी के अंदर। तो इसकी खासियत बता देता हूँ, इसके अंदर अच्छी नक्काशी की गई, और इस प्रकार के 104 खम्भे इस पूरी वाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। देखिए भाई चित्रकारी पेंटिंग बना रहे हैं,
दोस्तों अभी आप जो फाउंटेन देख रहे हो ये पहले नहीं लगाया हुआ था, अभी लगाया गया है। तो कहते हैं कि राजा और रानी होली में यहाँ पर होली खेलते थे और इस झरोके से पूरे उदयपुर का व्यू आपको दिखाई पड़ेगा। दोस्तों अभी जो आप कमरा देखने जा रहे हो इस कमरे का नाम है कांच के बुर्ज और शीश महल के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही सुंदर है। यानी इसके ऊपर नीचे साइड में चारों तरफ आपको कांच की कारीगरी दिखाई देगी और महाराजा कर्ण सिंह जी ने इस कक्ष का निर्माण करवाया था और देखिए सुंदर सुंदर पेंटिंगें भी इसके अंदर आपको दिखाई पड़ेगी। दोस्तों ये कोई बड़ा रूम नहीं है, छोटा सा रूम है। देखिए मैं चारों तरफ कैमरा घुमा के आपको दिखा रहा हूँ। अब इस रूम में हर तरफ आपको पेंटिंग की पेंटिंग दिखाई देगी। तो इन पेंटिंगों को बनाने में कम से कम 25 वर्ष लग गए थे, इतना महीन बारीक काम है इन पेंटिंगों का। आप मैंने एक जूम करके एक चीज़ दिखाई थी आपको, यानी हर पेंटिंग आधी आधी बनी हुई है, ऐसा नहीं पूरी पेंटिंग बनी हुई है। तो मेरा ये हिस्सा वहाँ पे रहेगा, साइड वाला पूरा फेस नहीं। दोस्तों इस कक्ष को महाराणा भीम सिंह जी ने बनवाया था और कर्नल जेम्स टोड को ये कक्ष समर्पित था। कहा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कई बार उदयपुर और कई राजाओं को मराठाओं के आक्रमण से बचाया था, तो इनके अच्छे रिश्ते उदयपुर राजघराने से थे। इसी महल के दूसरे भाग से आपको पिछोला लेक और ये जग मंदिर दिखाई पड़ेगा। तो देखे कितना अनुपम दृश्य दिखाई दे रहा है। अभी हम नीचे की ओर चल रहे हैं और आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे रास्ते हैं। यानी ये सब रणनीति के तहत बनाया जाता था कि दो आदमी भी एक साथ ना चले, अगर शत्रु आक्रमण करे तो भी वो इतने एक साथ ना आ सके। का उदाहरण आप सामने देख सकते हो, दो है पर्सन लेकिन वो साथ नहीं जा सकते हैं, देखिए एक एक होना पड़ा इनको। तो अभी हम आ चुके मोती महल के अंदर। तो इसका निर्माण 1620 में महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था और ये रानियों को समर्पित कक्ष था। तो दीवाने आम में होली दीपावली को त्यौहार पे नृत्य आदि का प्रोग्राम होता था, तो रानियाँ यहाँ से नृत्य वगैरह वो देखती थी। और इसके अंदर ऐसे ग्लास लगे हुए थे कि रानी तो बाहर देख सकती थी लेकिन बाहर वाला अंदर रानी को नहीं देख सकता था। और जो आपने सफ़ेद कलर के गेट देखे थे वो हाथी के दांत के बनाए हुए दरवाजे थे, देख सकते हो कितना भव्य था मेवाड़। दोस्तों इस कक्ष को पीतम निवास के नाम से जाना जाता है और महाराजा जगत सिंह जी द्वितीय ने इस कक्ष का निर्माण 1734 के अंदर करवाया था। और इसके अंदर जैसे आपको कई आधुनिक चीज़ें दिखाई देगी, देखिए सोफे वगैरह ये सब दिख रहे हैं ना, ये सब 1955 के हैं, ज़्यादा पुराने ये सब नहीं है। दोस्तों पीतम निवास से ही ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसे कहा जाता है दीवाने खास, वो नीचे चल के मैं दिखाऊंगा। और अभी देखिए मैं सूर्य चौपड़ के अंदर आ चुका हूँ। सूर्य चौपड़ का निर्माण महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। तो मेवाड़ के जितने भी महाराणा हुए सब सूर्यवंशी थे, तो ये भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते थे। तो वर्षा ऋतु में कभी सूर्य नारायण भगवान नहीं दिखाई पड़ते थे, तो महाराणा यहाँ पर आकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते थे। तो इसका निर्माण करण सिंह जी ने करवाया था। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मोर चौक के अंदर। तो मोर चौक की खासियत है इसमें ज़्यादा मोर की पेंटिंग आपको मिलेगी और वो भी ग्लास के द्वारा बनी हुई। तो इसका निर्माण भी महाराणा करण सिंह जी ने करवाया था। और इसमें जो पेंटिंगें आपको दिखाई पड़ेगी ना, वो सारे बेल्जियम ग्लास के द्वारा निर्मित पेंटिंग है। देखिए मैं भी आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, ये जो भी देख रहे हो सारा बेल्जियम ग्लास है, यानी कलर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया गया इसके अंदर। सामने की जो खिड़कियाँ हैं वो रानियाँ वहाँ से कोई प्रोग्राम होता था तो वहाँ से वो देखा करती थी। तो अभी जो आप कक्ष देखोगे उसे मानिक महल कहा जाता है और ये उस टाइम पे खाने पीने का कक्ष हुआ करता था, यहाँ पे भोजन करते थे। इसका निर्माण भी करण सिंह जी ने करवाया था। और जो कांच आप देख रहे हो ये सारा बेल्जियम ग्लास है, जो मोर चौक के अंदर काम था उसी ग्लास का काम इस कक्ष के अंदर भी है। और ये काम करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह जी ने। अभी हम जा रहे हैं जनाना महल की ओर। जनाना महल विधवा रानियों के लिए होता था और वो रानियां उस जनाना महल में रहती थी और पुरुषों का वहां पर जाना निषेध था। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं ब्रजविलास के अंदर। तो ब्रजविलास के अंदर वो विधवा रानियां रहा करती थी। तो देखिए ये उनका कक्ष हो गया, एकदम साधारण कक्ष है। और ये पलंग देख रहे हो, चांदी का पलंग था। और यहाँ पर अंतिम रानी रही थी राजमाता गुलाब कंवर, जिनका 1973 में
देहांत हो गया था। देखिए एकदम चूना भी इस प्रकार से एकदम चिकना है। और ये देखिए तिजोरिया वगैरह, इसमें सब सोना चांदी ये सब रहता था राजा महाराजाओं का। ये भी कितना भव्य कॉरिडोर हो गया, बहुत ही भव्य दार काम किया गया। यानी ऐसा है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप विजिट करोगे ना बोर नहीं होंगे, और अपना गौरव आप देखोगे किस प्रकार से राजा महाराजा रहते थे। दोस्तों इस कॉरिडोर को लक्ष्मी चौक कहा जाता है, और यहाँ से रानियाँ पालकी में बैठती थी। तो देखिए कितना भव्य हो गया लक्ष्मी चौक। अगर आप खाना खाना चाहो तो यहाँ पे खाना भी खा सकते हो। यहाँ पर महारानियाँ चौथ माता का पूजा वगैरह ये सब करती थी, तो चौथ माता का पूजन यहाँ महारानी पुरानिया वो सब करती थी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सिल्वर गैलरी, और अमर महल भी बोला जाता है इसको। और यहाँ पर जैसे किसी का विवाह होता तो वो यहीं पर होता था। और देखिए सारे चांदी के बर्तन ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए जो विवाह कार्य के अंदर यूज में लिया जाता था सामग्री, जो जो बर्तन, वो सारे यहाँ पर आप देख सकते हो। जिन जिन अंग्रेजों के साथ इनकी मित्रता थी वो सब इस फ्रेम में है, या संबंधित है, या यहाँ पर किसी ने विजिट किया होगा। ये ट्रॉफी वगैरह, सिल्वर मेडल, चौपड़ पासा यूज में लिए जाते थे, थाली कटोरी जैसे। देखिए ऐसे पालकी में बैठ जाते थे, तो ये वो हाथी के ऊपर लगती थी वो पालकी। देखिए घोड़ा, यानी घोड़े ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इस प्रकार से घोड़ा ये तैयार होता था। वो हाथियों पर लगता था इस प्रकार से, ये शायद इस पर रानी जी बैठती होगी, वो पालकी हो गई। इस प्रकार से ये रथ पर बग्घी तैयार होती थी। देखिए जिन जिनका कार्यकाल जिन्होंने राज किया था वो सारा मेंशन किया गया है। महाराणा सज्जन सिंह 1874 से 1884। देखिए सारी वंशावली यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है। फतेह सागर झील का निर्माण फतेह सिंह जी ने करवाया था। ऐसे सभी ने मिलके इस उदयपुर को ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया, तो वो सारा यहाँ पर मेंशन है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग देखिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए महाराणा प्रताप जी है, और ये इनका घोड़ा चेतक है। तो इसको क्या है, हाथी की नकली सूंड लगाई गई थी, और फिर इस घोड़े ने देखिए अपने दोनों पैर हाथी के ऊपर रख दिए। और ये मान सिंह जी जयपुर के महाराजा थे, उनको मारने के लिए महाराणा प्रताप ने भाला इधर उधर फेंका, लेकिन इस ओट के अंदर वो छुप गए और मान सिंह जी बच गए। और फिर इस युद्ध के बाद में वो चेतक घायल हुआ था और चेतक की मृत्यु हुई थी, वो तो मैं दिखा चुका हूँ। और ये देखिए पुराने टाइम की तस्वीर है, इस हिसाब से ये दिखता था पुराने समय के अंदर। अभी हम बाहर आ चुके हैं, हो गया भाई जी पूरा धन्यवाद। तो अभी ये फाइनली पूरा हो चुका है और हम ये कॉरिडोर के बाहर चल रहे हैं। दोस्तों अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, और ये सूरज पोल हो गया, सूरज पोल गेट है। तो बाहर आ चुका हूँ, तो मेरे हिसाब से जितना मेरे को नॉलेज था उतना मैंने बताने की आपको कोशिश की है। इस प्रकार के संसार में भी बहुत कम किले बने होंगे, राजस्थान में तो नंबर वन है ही, और इसी हिसाब से जोधपुर का किला भी है, वो भी भव्य है, और उदयपुर का भी दिखा दिए कि पर जयपुर का भी भव्य है। जो का प्राप्त करने से नहीं होता, इसको इन्होंने बनाया कर भी रखा। आज कितने सालों तक मेवाड़ पर सिसोदिया वंश ने राज किया, तो बना के रखा, तो कई युद्ध उन्होंने लड़े, किसी के सामने झुके नहीं। हल्दीघाटी महाराणा प्रताप ने जीवन जंगलों में बिता दिया, लेकिन पराधीनता स्वीकार नहीं की, तो तब जाके वे बहुत इनको मिला है। तो वर्तमान समय में अभी यहाँ के प्रिंस है लक्ष्यराज सिंह जी, तो वो भी आज जनता के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि आज भी राजवाड़ा नहीं रहा, लेकिन उनकी पॉपुलरिटी है, क्योंकि वो जनता का दुख सुख समझते हैं। पुल गिरा था तो वहाँ की राजमाता ने जितने भी लोग मरे थे तो उनको कुछ पैसा वगैरह दिया का सहायता की थी। तो आज भी संकट के समय में ये रजवाड़े आगे आते हैं। आप कुछ मेरे को सजेशन देना चाहते हो मुकेश भाई, यहाँ पे जाओ यहाँ पे जाओ, तो वो मेरे को बतलाइए। तो इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ, बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो मैंने बनाया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तो आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद जय भारत।